what happened in the court today on this matter? सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो मुजफ्फरनगर पुलिस की डायरेक्टिव थी उस डायरेक्टिव को पढ़ा समझा और ये पाया कि ये डायरेक्टिव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से बियॉन्ड ट्रैवल कर रहा है एंड कोर्ट का ये नजरिया था क्या कि किस तरह का खाना सर्व होता है वेज या नॉन वेज ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू उसको कौन सर्व कर रहा है। कोर्ट ने पिटीशन का संज्ञान लेते हुए नोटिस इश्यू किया है और यह नोटिस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के खिलाफ इशू हुआ है। अगली इसकी सुनवाई फ्राइडे को फिक्स। आज सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो मुजफ्फरनगर पुलिस की डायरेक्टिव थी उस डायरेक्टिव को पढ़ा समझा और ये पाया कि ये डायरेक्टिव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से बियॉन्ड ट्रैवल कर रहा है एंड कोर्ट का ये नजरिया था क्या कि किस तरह का खाना सर्व होता है वेज या नॉन वेज ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू उसको कौन सर्व कर रहा है। कोर्ट ने पिटीशन का संज्ञान लेते हुए नोटिस इश्यू किया है और यह नोटिस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के खिलाफ इशू हुआ है। अगली इसकी सुनवाई फ्राइडे को फिक्स।